वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं आज थिएटर्स में रिलीज हुई रणवीर सिंह और आलिया भट्ट स्टारर हिंदी फिल्म यानी कि रॉकी और रानी की प्रेम कहानी के बारे में। तो देखी दिखाई सी सुनी सुनाई सी कहानी के साथ आई और रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव माइंडसेट पर कमेंट्री करने आई फिल्म रॉकी और रानी की प्रेम कहानी मेरे लिए 3 घंटे लंबी एक वॉचेबल एंटरटेनिंग फिल्म साबित हुई। देखा जाए तो एक मिनिमम एक्सपेक्टेशंस के साथ अगर इस फिल्म को देखा जाए तो एक अच्छा खासा टाइम पास करने में ये फिल्म जो है कामयाब रहती है। फिल्म की कहानी में क्या होने वाला है ये हम ऑलरेडी जो है ट्रेलर में देख चुके हैं और अंत में क्या होगा उसे प्रिडिक्ट कर पाना किसी भी फैमिली ड्रामा फिल्म के लिए कोई मुश्किल काम है नहीं। बट यहां पर मेकर्स ने इस कहानी की शुरुआत कहां से होगी उसे जो है कहीं पर अभी तक रिवील नहीं किया था और यही चीज कहीं ना कहीं फिल्म की शुरुआत में काम कर जाती है और फिल्म शुरुआती कुछ मिनटों के अंदर काफी इंटरेस्टिंग नजर आने लगती है। डेफिनेटली आगे उसके बाद कहानी जिस तरीके से बढ़ती है उसके अंदर डेप्थ की कमी जो है साफ नजर आने लगती है और चीजें जो हैं बहुत ही रूटीन तरीके से आगे बढ़ती है। पर यहां पर सबसे अच्छी बात यह है कि स्क्रीन प्ले के अंदर जिस तरीके से रणवीर सिंह के कैरेक्टर को यहां पर लिखा गया है उनके बात करने के तरीके उनका स्टाइल उनका वो अंदाज और उनके एंट्री पर जो पुराने गानों का जो रीमेक वर्जन चलता है हर एक चीज जो है उनके कैरेक्टर को काफी इंटरेस्टिंग और काफी हद तक फिल्म को इंगेजिंग बना जाती है। और कहना चाहूंगा कि फर्स्ट हाफ के अंदर उनको लेते हुए कुछ बहुत ही अच्छे मोमेंट्स यहां पर देखने को मिलते हैं जो सही में हंसाने में या फिर कहें बहुत ज्यादा ना हंसाए तो चेहरे पर एक मुस्कान लाने में कामयाब रहती है। वैसे तो फिल्म का टाइटल रॉकी और रानी की प्रेम कहानी है बट फिल्म के अंदर एक डायलॉग आता है कि हर एक कहानी या फिर लव स्टोरी की जो मेन स्टेयरिंग रहती है उसे बैक सीट से जो है फैमिली कंट्रोल कर रही होती है और यही चीज आपको देखा जाए तो फिल्म के अंदर भी देखने को मिलता है। और यहां पर देखा जाए तो जो रॉकी और रानी की एक्चुअल में जो प्रेम कहानी है उसके अंदर आपको कोई डेप्थ देखने को नहीं मिलेगी। बहुत ही कैजुअल तरीके से इस लव स्टोरी को या फिर कहें इनके रिलेशन को यहां पर एस्टैब्लिश किया गया है, मतलब बहुत ही जल्दी बिना किसी सेंस के जो है ये रिलेशन जो है क्रिएट हो जाता है। बट उसके बाद डायरेक्टर ने जिस तरीके से बहुत ही स्मूथली इस पूरी कहानी को फैमिली ड्रामा की तरफ शिफ्ट किया है वो मैं कहूंगा कि काफी अच्छा था, क्योंकि वहां पर अगर आप देखोगे तो जो ड्रामा पोर्शन है वो काफी हद तक इफेक्टिव नजर आता है। फिल्म कहीं पर भी किसी एक कैरेक्टर के ऊपर फोकस करती हुई नजर नहीं आती है, हर एक कैरेक्टर जो भी बोल रहा है जो भी कर रहा है उसका साफ साफ एक असर जो है आलिया और रणवीर की कहानी के ऊपर उनके रिलेशन के ऊपर पड़ तो जरूर रहा है। बट एट द सेम टाइम अलग उन सभी कैरेक्टर्स को लेकर हम जो है काफी सारी बातें जान पाते हैं और इसी दौरान फिल्म के अंदर कुछ अच्छे इमोशनल मोमेंट्स भी जो है यहां पर देखने को मिलते हैं। एटलीस्ट आपको अगर इमोशनल ना कर पाए तो मुझे पता नहीं बट उन्हें देखते समय मैं जरूर कुछ कुछ पोर्शंस में इमोशनल हो गया था। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि फिल्म जो है यहां पर रिग्रेसिव और प्रोग्रेसिव माइंडसेट पर कमेंट्री करती हुई नजर आती है तो यहां पर जो मैसेजिंग हमें यहां पर देखने को मिलती है वो मैक्सिमम जगहों पर बिल्कुल चेहरे के सामने नजर आती है, मतलब जो भी कहना है सब चीज मुंह पर यहां पर बोली गई है जो कि राइटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई बहुत अच्छी बात तो नहीं है। बट देखा जाए तो कुछ कुछ पोर्शंस में फिल्म जो चीजें बोलने की कोशिश करती है वो काफी हद तक सेंसिबल नजर आता है, वहीं कुछ कुछ जगहों पर चीजें जो है बहुत ही कंफ्यूजिंग नजर आती है या फिर थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक भी नजर आती है। यहां पर एक दूसरे के कल्चर की रिस्पेक्ट करने पर मैसेज देखने को मिलता है, यहां पर मेल और फीमेल के इक्वेलिटी पर मैसेज देखने को मिलता है, जहां पर मैं कहूंगा कि जो कल्चरल चीजों की रिस्पेक्ट करने वाला जो पोर्शंस थे फिल्म के अंदर वो मैं कहूंगा कि काफी हद तक सेंसिबल नजर आते हैं। बट जो इक्वेलिटी वाले पोर्शंस थे उसके अंदर फिल्म कुछ कुछ जगहों पर पूरे जगहों पर तो नहीं कुछ कुछ जगहों पर कंफ्यूज नजर आती है या फिर एक तरफा होती हुई नजर आती है। पर फिर भी कहूंगा कि ये सभी चीजें जो थी काफी हद तक अच्छी तरीके से हैंडल कर दी गई है यहां पर अच्छे डायरेक्शन और अच्छे परफॉर्मेंस के साथ। फिल्म का फर्स्ट हाफ जहां पर मैक्सिमम जगहों पर बिना किसी डेप्थ के एंटरटेनिंग नजर आता है वहीं सेकंड हाफ काफी सारे ड्रामा के साथ थोड़ा सा ड्रैग होता हुआ फील होता है। क्लाइमेक्स से जस्ट पहले का सीन अगर आप देखोगे तो वहां पर आपको साफ साफ पता चलेगा कि चीजें अब जो है जो कि अभी तक जो है काफी हद तक स्मूथली चल रही थी अब जो है जोर जबरदस्ती के साथ चल रही है, मतलब जोर जबरदस्ती से जो है फोर्सफुल तरीके से ड्रामा या फिर कहें मेलोड्रामा को यहां पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। कैरेक्टर्स की अगर मैं बात करूं तो जैसा कि मैंने कहा कि वैसे किसी पर बहुत ज्यादा फोकस एक कैरेक्टर पर नहीं रखा गया है, हर किसी को अपना स्पेस अपना टाइम यहां पर मिला है। बट फिर भी अगर मेरे पर्सनल ओपिनियन की मैं बात करूं तो डेफिनेटली यहां पर रणवीर सिंह का कैरेक्टर फिल्म के अंदर सबसे ज्यादा इंप्रेस करने में कामयाब रहता है। उस कैरेक्टर के थ्रू जो एक मैसेज देने की कोशिश की गई है उस कैरेक्टर का अपने आप जो एक रियलाइजेशन हमें फिल्म के अंदर देखने को मिलता है, बाकी उस कैरेक्टर की जो अपनी सोच है अपनी जो बातें हैं जो चीजें यहां पर फिल्म में दिखाई गई हैं वो सही में काफी अच्छी नजर आती हैं और उस पूरे कैरेक्टर को भी जो है रणवीर सिंह ने काफी अच्छी तरीके से परफॉर्म किया है। रणवीर सिंह के कैरेक्टर
कैरेक्टर के अलावा यहाँ पर फिल्म के अंदर अगर कोई कैरेक्टर इंप्रेसिव नजर आता है तो वो है यहाँ पे टोटा रॉय चौधरी का कैरेक्टर, जो कि आलिया भट्ट के पिता का रोल प्ले कर रहे हैं। उनका कैरेक्टर और रणवीर सिंह का कैरेक्टर वैसे तो देखा जाए दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड से आते हैं, बट अगर दोनों ही कैरेक्टर्स के कहानी और इमोशंस को अगर आप एक साथ जोड़ के देखोगे तो काफी सारी चीजें ये दोनों कैरेक्टर्स ही जो है फिल्म के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से हमें समझाने में कामयाब रहती है। बाकी यहाँ पर फिल्म के अंदर कोई कैरेक्टर मुझे इमोशनली बहुत ज्यादा कनेक्ट नहीं कर पाया। डेफिनेटली शबाना आजमी और धर्मेंद्र जी का जो कैरेक्टर है वो कुछ समय के लिए चेहरे पर एक मुस्कान लाने में कामयाब रहता है। जया बच्चन जी का जो कैरेक्टर है उसे काफी जगहों पर बहुत ही ज्यादा जोर जबरदस्ती से जो है फिल्म का विलन बनाने की या फिर कहानी का विलन बनाने की कोशिश की जा रही है। डेफिनेटली कैरेक्टर के अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं एक सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक है, बट फिर भी उस कैरेक्टर को एक सिंगल डायमेंशन कैरेक्टर के तौर पर एक पूरी तरीके से विलन के तौर पर प्रेजेंट किया है ताकि कहानी के अंदर एक हीरो और विलन वाली जो फीलिंग है वो बनी रहे। बाकी एक करण जौहर की फिल्म के तौर पर अगर देखा जाए तो फिल्म का म्यूजिक जो है मुझे पर्सनली काफी कमजोर नजर आया। तुम क्या मिले अगर इस गाने को छोड़ दिया जाए तो ऐसा कोई बहुत एक्सेप्शनल या फिर मेमोरेबल म्यूजिक जो है या फिर कोई गाना जो है फिल्म के अंदर मुझे पर्सनली नहीं सुनने को मिला। हाँ, एक चीज जो यहाँ पर मेकर्स ने की है, क्योंकि शायद उन्हें भी शायद पता चल गया होगा कि हमने इतना कुछ एक्सेप्शनल म्यूजिक यहाँ पर नहीं बनाया है, तो यहाँ पर उन्होंने जो है पुराने गानों को यूज किया है कुछ अच्छे सीन्स को और ज्यादा इफेक्टिव और इम्पैक्टफुल बनाने के लिए, और साथ ही साथ कुछ पुराने गानों के रीमिक्स वर्जन को जो है यहाँ पर बैकग्राउंड में यूज किया है, जो कि मैं कहूंगा कि काफी जगहों पर मजेदार नजर आते हैं। तो ओवरऑल ये कहना चाहूंगा कि एक देखी दिखाई सी स्टोरी के साथ अगर आप बिना किसी डेप्थ के एक एंटरटेनिंग फिल्म देखना चाहते हो तो मेरे हिसाब से इस फिल्म को एक बार देखा जा सकता है। कहीं ना कहीं फिल्म के अंदर एक्टर्स की अच्छी परफॉर्मेंस और करण जौहर का अच्छा डायरेक्शन फिल्म की कमजोर राइटिंग को काफी जगहों पर छुपा जाता है और फिल्म को एक वॉचेबल या फिर टाइम पास एंटरटेनिंग फिल्म बना जाता है। ये था मेरा ओपिनियन इस फिल्म को लेकर। अगर आपने फिल्म देख ली है तो आपको फिल्म कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।